गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम न्यू चैप्टर करेंगे, जर्नल एंट्री। अभी लास्ट क्लास तक हमने कवर किया था, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना? असाइनमेंट भी मैंने सेंड किया है आप सभी को। उस असाइनमेंट को टॉपिक वाइज करना है आपने, ठीक है? जैसे ही वो असाइनमेंट कंप्लीट होगा, देन असाइनमेंट के कंप्लीट होते ही असाइनमेंट जैसे ही कंप्लीट होता है आपका, तो असाइनमेंट कंप्लीट होते ही मुझे सेंड भी करना है, ठीक है? आज इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेजर। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। कुछ स्टूडेंट के बुक में जर्नल के बाद शायद और कोई चैप्टर हो या और कोई टॉपिक हो, लेकिन हम अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे। हम जर्नल के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस ही करने वाले हैं। और बेसिकली ट्रायल बैलेंस मैं अलग से नहीं, इसी चैप्टर के अंदर मर्ज करूंगा। उसके बाद आपके चैप्टर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना? तो आज चैप्टर का नाम है हमारा लेजर। क्वेश्चन रेज होता है, सर लेजर क्यों करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सर हम लेजर करते क्यों हैं और लेजर क्यों करें। ठीक क्वेश्चन है ना कि लेजर क्यों करते हैं? आप सब जानना चाहते हो कि लेजर क्यों करते हैं, तो एक बार समझाते हैं। आप मुझे एक जवाब देना, आपका फाइनल जो मोटिव होता है बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर में बताया था। बताइए, अकाउंटिंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना, है ना? किसी भी बिजनेस का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना। और प्रॉफिट एंड फाइंड कौन सा करना? तो आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो करेक्ट फाइंड करना। आप में से कोई चाहता है कि हमारे बिजनेस का गलत प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाए? नहीं चाहता ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा फाइंड करना हमारा? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना, ठीक है? इसके बाद तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करा जाए? करेक्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए, कोई रीजन, कोई उपाय कैसे करेक्ट किया जाए। तो करेक्ट करने का उपाय यही है, हम किसी चीज को ठीक करते हैं तो उसको दो तीन प्रोसेस से अगर निकाला जाए, एक प्रोसेस हो पर्टिकुलर, पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट आंसर निकालता है, ठीक है ना? सेम ऐसे यहाँ पे प्रोसेस बनाना पड़ेगा अकाउंटिंग में। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल ले, तो गलत हो सकता है। तो इसके लिए प्रोसेस है अकाउंटिंग का। और जो प्रोसेस है वो किस तरीके से प्रोसेस बनाया गया, उस चीज पे मैं एक बार डिस्कस करता हूँ कि हमारा प्रोसेस जो है अकाउंटिंग का, अगर सही जानना चाहते हैं तो सबसे पहले बताया गया आप करिए जर्नल, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री कहां से करते हैं बताइए? जर्नल एंट्री होता है हमारे स्टार्ट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन से। जर्नल एंट्री स्टार्ट हो गया आपने, पहले ट्रांजेक्शन का मतलब राम ने सामान खरीदा, राम ने सामान बेचा, या फिर रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें ट्रांजेक्शन है, आपको समझना चाहिए। उसकी मदद से हमने क्या करा? जर्नल। अब जर्नल की मदद से सीखेंगे लेजर। यानी लेजर सीखने के लिए आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए। अगर जर्नल एंट्री आपको नहीं आता तो लेजर सीख ही नहीं सकते। अब लेजर के बाद अगला स्टेप हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं टीबी, ट्रायल बैलेंस। सर प्रॉफिट एंड लॉस कब सीखेंगे? ट्रायल बैलेंस के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये हमारा ना अकाउंटिंग करने का प्रोसेस है। जब हम इस वाले स्टेज पे आएंगे तो हमारा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, हमारे टॉपिक ही खत्म हो जाएंगे, अकाउंटिंग खत्म 11th क्लास की। तो देखो जर्नल तो हम सीख चुके हैं, इसमें कुछ एक जर्नल एंट्री रहता है जो कि मैं लेजर के अंदर और टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। जर्नल सीख चुके हैं, जर्नल के बाद क्या सीखेंगे? लेजर, जो कि आज स्टार्ट करेंगे। अगर लेजर में कोई भी गलती करी आपने तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? ये एरर को फाइंड करता है, एरर फाइंड करेगा। ऐसे ही नोट कर लेना है आपने, एरर को क्या करेगा? ये फाइंड करेगा। जैसे ही एरर यहां फाइंड कर दिया
तो जो ट्रायल बैलेंस होगा हमारा बिल्कुल सही होगा, और ट्रायल बैलेंस से जो डेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बताइए क्या इसमें एरर के चांसेस कम नहीं हो गए? क्योंकि जो एरर है यहीं पे फिल्टर हो गया, इसके बाद जब आएगा तो हमारी गलतियां कम होगी, हम जो प्रॉफिट निकाल के बताएंगे वो सही निकलेगा, हम जो लॉस बताएंगे सही निकलेगा, जो एसेट्स बताएंगे सही निकलेगा, है ना? ठीक है प्यारे बच्चों, इतने बात समझ में आया आपको? तो अब हम लेजर स्टार्ट करेंगे। लेजर के अंदर सबसे पहले आप बड़े ही सुंदर सुंदर राइटिंग में काफी सारे पेज की जरूरत पड़ेगी, A4 रजिस्टर होना चाहिए हर किसी का, बड़े चौड़े पेज वाला। और पहले हम लेजर के अंदर फॉर्मेट सीखेंगे, फिर उसकी पोस्टिंग सीखेंगे। दो चीजें हैं अभी, फॉर्मेट और पोस्टिंग का भी मतलब समझेंगे, ठीक है ना? यहां तक समझ में आए लेजर क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि फाइनल टारगेट ये है हमारा, और डायरेक्टली हम यहाँ नहीं जा सकते, हम प्रोसेस से जाएंगे। इसी को हम अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। एक करेक्टर्स किस ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर में देखोगे, वहां पे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूछा गया, तो यही है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, एंड इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या फाइनेंशियल अकाउंट भी बोलते हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है ना? चलिए इससे मैं मिटा देता हूँ। आई होप नोट नहीं किया हो, अगर आपने तो आप आराम से कर लेना देख के, ठीक है? चलिए मैं इस पे आता हूँ। फॉर्मेट पहले नोट करिए आप, और ये अच्छे अच्छे साफ साफ नोट होना चाहिए। ये हमारा टी शेप अकाउंट होता है, पता है क्यों? देखो ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये? आप अगर ध्यान से देखो तो आपको टी तो दिख रहा है, टी ऐसे ही तो बनाते हैं, इसलिए इसको टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। और एक कॉलम इधर खींचेंगे हम, एक कॉलम इधर खींचा जाएगा, और इसके बाद एक कॉलम इधर, और सबका इक्वल साइज होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा कर दिया हमने, कुछ छोटा कर दिया तो गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप स्केल से नाप के कर लेना। एक लाइन इधर खींची जाएगी और एक लाइन इधर। कितने लाइन खींचेंगे सर? बिल्कुल, अभी सबके ऊपर नाम भी लिख लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, और यहां अमाउंट, और यहां डेट, यहां पर्टिकुलर, यहां LF। ओहो सर यहां तो नहीं खींचा, यहां एक लाइन। बाप रे बाप, कितनी लाइनें हैं यहां, थोड़ी सी गलती, आंसर गलत, अमाउंट, ठीक है? इस साइड में कोने पे लिखेंगे DR.debit, और इस साइड लिखेंगे कोने पे CR.,। और ये बन गया हमारा लेजर। इसको बेसिकली बोलते हैं लेजर का फॉर्मेट। लेजर का फॉर्मेट में क्या है? सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। डेट में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं ज्यादा क्या आएगा, डेट में तो तारीख लिखेंगे। पर्टिकुलर में जो काम हुआ है वो लिखा जाएगा, LF खाली रहेगा, यूज हम करना सीखेंगे बाद में, ठीक है? LF का, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। LF का मतलब लेजर फोलियो, और क्या होता है ये होता है यहाँ पेज नंबर। ओके सर, अब फिर से डेट आ गया सर, यहां भी डेट, यहां भी डेट, बिल्कुल। जो ये लाइन है मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो यहां से इस वाले डेट से इधर इधर का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? हम लेजर को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। अच्छा सर, ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग, इसीलिए अब यहां फिर से देखो, अगर ध्यान से देखो, ये लो मैं यहां पे एक और लाइन खींच देता हूं, ध्यान से देखो, इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट सेम है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, और यहां भी क्या है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। जी सर, इसे बोलते हैं लेजर। अब अकाउंट सीख रहे हो आप, बोलते हैं हम अकाउंट किस किस का सीख सकते हैं? बैंक का अकाउंट बनाना सीख सकते हैं, कैश का अकाउंट बनाना सीख सकते हैं, मशीनरी का अकाउंट बनाना सीख सकते हैं, फर्नीचर का, यानी ईच एंड एवरी जितने भी अभी आपने सीखे हुए हैं नाम, जितने भी आइटम है सबका। मान लेते हैं मैं कैश की बात करूं, तो यहां पे लिखूंगा मैं ऊपर
कैश अकाउंट, ठीक है? बोलते हो सर कैश अकाउंट नहीं, हम तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो कोई बात नहीं बच्चे, ऊपर रहेगा फॉर्मेट यही, लेकिन ऊपर क्या लिखोगे आप? फर्नीचर अकाउंट, ध्यान रखना है। बोलते हो सर नहीं, मैं तो बिल्डिंग अकाउंट बनाऊंगा, सर मैं तो बिल्डिंग बनाऊंगा। कोई बात नहीं, फॉर्मेट एक ऐसा ही बनाओगे, ऊपर लिखोगे बिल्डिंग। यहां डेबिट लिखना और क्रेडिट लिखना बिल्कुल आपको जरूरी है। जो भी चीजें हम इधर से स्टार्ट करेंगे, देखो दो साइड हो गए ना, एक इस साइड डेबिट साइड और एक ये क्रेडिट साइड। जो भी चीजें इधर स्टार्ट करेंगे उसको हम टू से स्टार्ट करेंगे। टू इज्जत देते हैं बच्चे, जैसे श्रीमान श्रीमती, मिस्टर, आपका नाम मिस्टर से लूंगा मैं, आपको नाम से नहीं बुलाऊंगा, आपको इज्जत दे रहा हूं। ऐसे ही इधर स्टार्ट करेंगे टू से। जैसे अगर मुझे राम लिखना है तो इस साइड लिखूंगा टू राम। डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा वो मुद्दा बाद का है, उसके ऊपर अभी नहीं बात करेंगे, बस 5 मिनट मुझे दो उसके बाद बात करेंगे। तो यहां पे टू से स्टार्ट होगा, है सर टू से, बिल्कुल। ये साइड अलग है, इधर स्टार्ट होगा तो बाय, बाय बाय वाला बाय क्या सर? नहीं, द्वारा वाला बाय नहीं, ये बाय लिखना पड़ेगा। वैसे हालांकि एक राज की बात बताता हूं, गवर्नमेंट ने बड़ी क्लास वाले में तो बोला हुआ है टू बाय नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हट गए हैं अब ये। लेकिन आपको ये मैंने बताया, किसी को बताना नहीं, एग्जाम में एग्जामिनर को ऐसे ही दिखाना है कि ऐसे ही लिखना है, ठीक है? तो इधर से जो काम स्टार्ट होगा टू से, और इधर से जो काम स्टार्ट होगा वो किससे होगा? बाय से। तो ये है हमारा क्या? लेजर। और क्या सिखाओगे सर इसमें? तो फॉर्मेट ही सिखाए। अच्छा जी सर, एक दो लिख के दिखाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो मैंने एक तारीख को लिखा, सपोज करो 1/1/2010, और मेरे पास कैपिटल आया, सपोज करो। ओहो सर तारीख बड़ी पुरानी ले लिया आपने, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, 10,000। और रेंट पेमेंट किया, तो रेंट मैं बता रहा हूं, सब आएगा समझ में। आप बोल रहे हो सर एक बार समझा दो क्या है नहीं है, यही तो समझा रहा हूं, इसको मिटा दें। आप बोले तो मिटा दें इसको, है ना? चलो जी, आपने कहा और हमने मिटा दिया। अब क्या करेंगे? इधर भी कुछ चीजें लिखी मैंने और इधर भी कुछ चीजें लिखे। कैसे लिखना है वो मैं समझाऊंगा, अभी आपने एग्जाम्पल मांगा है तो मैं दे रहा हूं। सभी बच्चे जितने भी है, चाहे आपके बिहार है, यूपी है, कानपुर है, दिल्ली है, हसरा है, हरियाणा है, फरीदाबाद है, सभी बच्चे देखें ध्यान से, कोई बच्चा चेटिंग नहीं करेगा, ठीक है? और किसी का डाउट नहीं लूंगा, पहले मैं बता रहा हूं, आप डाउट लाइव चैट ऑप्शन में लिखते जाएं, लिखते जाएं, मैं इग्नोर करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। मैं पहले टॉपिक करा दूं, उसके बाद आप सबसे आराम से बात करूंगा, बड़े तसल्ली से बात होगी, ठीक है? कुछ बच्चे लाइव चैट में लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात, नहीं सुनूंगा। लाइन टेढ़ी करवा दी नालायक आप लोगों ने, ठीक है? इसके बाद हम यहां पे ऐसे खींचते हैं, टिक टिक, एक इधर भी लाइन खींचेंगे, टिक टिक। इसको बोलते हैं अकाउंट को बंद करना, लेकिन बंद करने के लिए हमें थोड़ा बड़ा लाइन करना पड़ेगा, है ना? बड़ी लाइन करेंगे और इसके नीचे एक और डंडा, टिक। सर ये एक डिजाइन है क्या? नहीं बच्चे, इस दो डंडे का खींचने का मतलब, आप थोड़ा चिपका के कर देना, दो डंडा खींचने का मतलब है अकाउंट क्लोज्ड, बंद हो गया, ये साल समाप्त, इसका मतलब है, ठीक है? अब क्या करें? अब आपको बड़ी साइड ढूंढनी है, आप फटाफट से बड़ी साइड बताओ, इधर कितना है? 10,000, इधर कितना है? 7,000, इधर है हमारा 10,000, इधर है हमारा 7,000। आप बताओ 10,000 बड़ा या 7,000, बताइए। अरे सर बड़ा आसान, ये क्या पूछने वाली बात है क्या सर? 10,000, अच्छा पक्का 10,000 बड़ा है? मैं लिख रहा हूं, गलत मत करवाना, 10,000 बड़ा हो गया। सेम 10,000 रुपीस इधर लिखना पड़ेगा? हाँ सर। ये क्यों? इधर तो 7,000 है, आप 10 क्यों लिख रहे हो? यही तो मैं समझा रहा हूं, जो साइड बड़ी होगी उसी साइड को दोनों साइड लिखना पड़ेगा, ये समझ लो। अच्छा सर अगर इधर 15,000 होता तो क्या इधर भी 15 लिखते? हाँ बच्चे समझ गए, यही तो बता रहा हूं मैं। यानी आपका इस साइड 10,000 है तो इस साइड 10 लिखा, अगर मान लो यहां पे मैं 5 लिख दूं, 5 लिख दूं, तो इधर का टोटल क्या आएगा? 12।
तो क्या यही टोटल इधर लिखेंगे? हाँ बिल्कुल यही 12 इधर लिखेंगे। सर ये बात हजम नहीं हो रही, धीरे धीरे हो जाएगी, चिंता मत करो आप, बिल्कुल धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ओके सर, तो ये आ गया 10,000 और इधर आ गया 10,000। अब जिधर कम है उधर हम लिखेंगे बाय बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी। ओहो सर सीडी, ये सीडी क्या है? और इसमें से इसको माइनस करेंगे, बचा 3,000 सीडी। देखो बच्चे, बैलेंस बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, इसका मतलब होता है लास्ट का बचा हुआ बैलेंस, लास्ट का बचा हुआ बैलेंस, लास्ट का बचा हुआ। ओहो क्या क्या लिख रहा हूं, बचा हुआ बैलेंस, लास्ट का बचा हुआ बैलेंस। ठीक है, दिख नहीं रहा कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया लास्ट का बचा हुआ बैलेंस, लिख लेना, क्यों चिंतित होते हो इतना। एक आएगा बैलेंस बीडी, और क्या बोलते हैं सर, और इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्या सर हमेशा इधर ही आएगा क्लोजिंग बैलेंस? वो तो अभी बताते हैं, रुक जाओ। इसके बाद एक वर्ड हम सीखेंगे बैलेंस, बैलेंस बीडी। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, लाया गया। तो स्टार्टिंग का बैलेंस, तो ये जो होगा स्टार्टिंग का बैलेंस होगा, ठीक है। और इसको दूसरे वर्ड में हम ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं, लगे हाथ हम इनकी डेट के बारे में भी चर्चा कर लें। क्लोजिंग बैलेंस कब होगा? या तो मंथ के एंड में होगा या ईयर के एंड में होगा। अगर हम कैश बुक वगैरह बनाते हैं, कोई ईयर ईयरली बोला गया मेंटेन करने के लिए, तो हमारा ईयर के बेसिस पे अगर हुआ, अगर ईयर के बेसिस पे है तो क्लोजिंग बैलेंस होगा 31/3/2000, और जो जो का मतलब 2012, 2013, 2022, 23 जो भी आए। लेकिन अगर हुआ मंथली तो आएगा हमारा या तो 30 का होगा महीना या तो 31 का होगा, सर 28/29 लिख लेना ना, और वो आएगा हमारा कब, जो मंथ हो सकता है जनवरी, हो सकता है फरवरी, हो सकता है और ईयर, ठीक है। सेम क्लोजिंग कब होगा? हमेशा फर्स्ट डे, 1/1/2010। एग्जाम्पल है, पुराना साल जरूर लिया है, और अगर मंथली हो तो 1/1/2010, जरूरी नहीं है ये, सॉरी ये 1/4 होगा। हमारा जो ईयर होता है, मैं नया साल पता है कब मनाता हूँ? बताओ मैं नया साल कब मनाऊंगा, बताओ नया साल कब मनाऊंगा मैं नया साल, आप कब मनाओगे न्यू ईयर? आप सबके घर पे आऊंगा मैं न्यू ईयर में, बताओ कब मना रहे हो? 1 जनवरी। बस आप कॉमर्स के बच्चे हो, हर चीज अलग करते हो। 1 जनवरी को मैं नहीं मनाता नया साल, मैं नया साल मनाता हूँ 1 अप्रैल को, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, जिसको क्या बोलेंगे हम, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हम मैं नया साल 1 अप्रैल को मनाता हूं, तो इसलिए साल का शुरू कब होगा 1 अप्रैल और साल का एंड कब होगा 31 मार्च। अगर एग्जामिनर बोलता है कि कैलेंडर ईयर मानो, तब 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ठीक है। ठीक है सर, सर यहां पे भी कुछ आएगा? बिल्कुल, डेट नहीं बताया मैंने, चलो यहां 5 तारीख लिख लेते हैं, 5/1/2010। और ये डेट, अब मान लो ये जनवरी का ही एंड करेंगे, तो जनवरी मंथ का एंड 31/1/10, ये तो नहीं बताया। ये डेट आपको दिमाग लगाना है, ये आपको सोचना है कि क्या लिखें। हो सकता है कि अप्रैल का महीना होता, यहां पे अप्रैल होता तो मैं यहां लिखता 30/4, हो सकता है यहां पे फरवरी होता तो यहां पे लिखता 28 फेब के मंथ में, हो सकता है यहां पे अगस्त होता तो अगस्त में लिखता 31 10, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेट लिखेंगे।
ओके सर, फिर से समझते हैं। ये हमारा पूरा लेजर का है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को जैसे जैसे मैंने बनाया, सुंदर 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 राइटिंग में आपने बनाना है। इस फॉर्मेट में डेट है, पर्टिकुलर है, LF होता है, पेज नंबर, अमाउंट, डेट, ये सारी चीजें। और ये साइड में मैंने कुछ बातें भी बताई है, ध्यान से आपको देखना है। जो साइड बड़ी होती है वही साइड दूसरे साइड में लिखा जाता है, और एकदम सामने सामने, बिल्कुल सामने। ऐसा नहीं कि 10,000 यहां लिख दूं और एक 10,000, गलत, बिल्कुल सामने सामने। मेरा भी थोड़ा ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन देखने में सामने सामने लगता है। अगर आपने 10,000 यहां लिखा और 10,000 यहां लिख दिया तो सामने सामने नहीं हुआ, गलत हो जाएगा। आपको रखना है इसके सामने सामने, ठीक है? चलिए एक बार आप इसको नोट करिए, फिर मैं कुछ जर्नल एंट्री की मदद से आपको सिखाऊंगा लेजर पोस्टिंग करना। धीरे धीरे करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, ठीक है? आप जल्दी से नोट करिए इसको। कर लिया बच्चे नोट? अरे बोलो, कर लिया या नहीं करा? नहीं करा तो इसको पॉज करिए और इसको रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने का मतलब लिखिए, ऐसा नहीं कि स्क्रीन रिकॉर्ड करिए, लिखिए, ठीक है? मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। सर रुक जाओ रुक जाओ, चलो 2 मिनट रुक गए, आपकी रिक्वेस्ट पे रुक गए हम। रुक गए, ये लो रुक गए। कर दे इसका काम तमाम, कर दे। चलो सर कर दो, ये लो जी, अब नहीं रुकूंगा मैं। मिटा दिया। चैप्टर है लेजर, आपके बुक में अलग अलग चैप्टर हो सकता है। मैं असाइनमेंट दूंगा उसके हिसाब से आप बुक में ढूंढोगे, किसी में चैप्टर 10 हो सकता है, किसी में 9 हो सकता है भाई। लेकिन लेजर लेजर अगर क्या होता है, ये एक तरीके के अकाउंट होता है जिसको हम लेजर बोलते हैं। अब मान लेते हैं, ठीक है, मैं कुछ यहाँ पॉइंट लिखता हूँ, दो तीन पॉइंट, ठीक है ना? मैंने लिखा राम, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 5,000, ठीक है? इसकी जर्नल एंट्री एक साथ करूंगा, ठीक है? दो तीन एंट्री करके दिखाता हूं। उसके बाद मैंने लिखा परचेज गुड्स रुपीज, ओहो क्या बन गया ये, रुपीज 2,000 थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सेल्स रुपीस 1,000। तीन ट्रांजेक्शन, इसको बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन। तीन ट्रांजेक्शन आपके सामने हैं। इस तीन ट्रांजेक्शन का मैं जर्नल करूंगा, आपको बताना है जर्नल। आप सब जर्नल एंट्री के बादशाह हो, जर्नल एंट्री आपके खून में कूट कूट के भरा हुआ है, तो जर्नल एंट्री आप बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी जर्नल एंट्री। ओहो, बींग मैं नहीं लिखूंगा सर, हम भी बींग नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ओहो लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, बहुत आसान चैप्टर है ये, ऊपर लिख देंगे आसान। आज मैं घर से आ रहा था तो सोचा क्या कराएं, सोचा कुछ आसान कराया जाए बच्चे को। चलिए पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट किया, तो बताओ कैश अकाउंट
डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल। ओके सर, फर्स्ट एंट्री डन। कितने से? 5,000। बींग आप लिखेंगे फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स कैश में है या क्रेडिट में है? परचेज बताओ, जो मैंने यहां लिखा है परचेज गुड्स वो कैश में है या क्रेडिट में है? जवाब है सर, कुछ नहीं बोला तो कैश में होगा, तो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ओके सर, सिंपल सिंपल एंट्री। हम बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन अभी फिलहाल सिंपल सिंपल। थर्ड पॉइंट, सेल्स कैश में है कैसे है? कैश में है, कुछ नहीं बोला तो सेल्स में करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये लो देखो सेल्स 1,000 रुपये। डन, जनरल एंट्री डन। किसी बच्चे को इस जनरल एंट्री में डाउट तो बताइए मुझे, किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी जल्दी। नहीं डाउट, आपके कमेंट देखूंगा ही नहीं मैं, आपसे बस मन में बताना था आपको, आप वैसे बताने लग गए। अब मैं बनाऊंगा लेजर। अब कितने लेजर बनेंगे जिसको आप प्यार से बॉक्स बोलते हो, लेकिन इतना प्यार मत दिखाओ कि बॉक्स बेइज्जती मत करो, उसको लेजर बोलेंगे जो इससे पहले बनाया था, ठीक है ना? कुछ बच्चे बोलते हैं बॉक्स बना रहे हैं। कितने बनाएंगे देखो, नंबर वन एक कैपिट कैश है, एक ये अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। ओहो, दो अकाउंट सर, दो दो लेजर। यस, एक परचेज अकाउंट बनेगा, तीन लेजर। एक कैश, कैश अगर हम पहले बना चुके हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, तीन लेजर। कैश पहले बना चुके हैं तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्स नहीं बनाए, चार, यानी चार अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बाप रे बाप, चार अकाउंट तीन जर्नल एंट्री के लिए? हाँ बच्चे, चार अकाउंट। इस साइड डेट, सर क्या हम भी बहुत छोटा छोटा लिखे? नहीं, आपके पास तो बहुत जगह है, पेजेस का भरमार है। सर इतने बड़े बड़े अकाउंट बच्चे, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करूंगा, ठीक है? आप नहीं कर पाओगे, सबसे पहले लेजर ऊपर लिख देते हैं, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। कैश है तो इसे हम लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट, ठीक है? कितने एंट्री हैं कैश से रिलेटेड? एक एंट्री, दो एंट्री, तीन, तो थोड़ा बड़ा बनेगा, तीन पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, तो ये लो बन गया कैश अकाउंट। चलिए अब इसके नीचे इसके नीचे कैश अकाउंट के बाद अगला अकाउंट कैपिटल, यहां लिखा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। सर हर किसी का अकाउंट बनाएंगे? बिल्कुल,
ओहो, डेबिट नहीं लिखना अब, सिर्फ अमाउंट लिखना है। डेट पर्टिकुलर, LF डेट, ओके। बस एक ही चीज है, ये बड़ा छोटा स्मॉल अकाउंट, मिनी अकाउंट बनेगा ये। सर 3 अकाउंट तो हो गए। हाँ बच्चे, 3 अकाउंट तो हो गए। बहुत मेहनत है सर, फल मेहनत का ही मीठा होता है हमेशा। और आप मेहनती बच्चे हो। थोड़ा टेढ़ा हो गया ये अकाउंट, है ना? चलो कोई बात नहीं। इधर भी डेबिट, गलती बिल्कुल नहीं करना। फॉर्मेट मैं बड़ा सजा सजा के करने की कोशिश कर रहा हूं, और आपका तो सजना चाहिए। मान के चलो यही आपको नंबर दिलाएंगे, सजाना है। ओके सर, एक और अकाउंट बनाना है। आपने 4 बोला है, आपने बनाए 3 है। इसका क्या नाम रखें? 3 नंबर पे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ठीक है, और बनाने? बिल्कुल, एक और इधर बना लेता हूं। ठीक है, चलेगा सर, चलेगा। एक इधर बना लो, एक इधर बना लेते हैं। टिक, ये लो, एक इधर भी बन गया। कौन सा? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, LF। सर बोर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बस बन गया पर्टिकुलर LF रेट क्रेडिट। ठीक है, ये बन गए हमारे अकाउंट, सारे के सारे अकाउंट। कितने एंट्री थे? 3। किस किस का लेजर बनाना है? ये जो बना रखा है ना, इसी को तो लेजर बोलते हैं। जिसको आप बॉक्स समझ रहे हो, बॉक्स नहीं है, ये लेजर है। तीनों पहले जनरल एंट्री किया हमने, इसके बाद कैश, उसके लिए कैश अकाउंट। कैपिटल, उसके लिए कैपिटल अकाउंट। परचेज, उसके लिए परचेज अकाउंट। कैश पहले ही बना चुके हैं, बनाने की दोबारा जरूरत नहीं है। कैश पहले ही बना चुके हैं, जरूरत नहीं। सेल्स, तो इसका मतलब क्या सर? 20 नाम आएंगे तो 20 अकाउंट। बिल्कुल सही, आप तो इतने समझदार निकले। अगर 20 नेम आते हैं तो आपको 20 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कर शॉर्टकट, सबसे आसान शॉर्टकट इसका यही है कि मन से सुंदर सुंदर बनाते जाओ, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, यही शॉर्टकट है इसका। चलिए अब पोस्टिंग करते हैं। देखो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट है, और यहाँ टू कैपिटल। तो जो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल है, तो करना कैसे है? टू वाले को टू में लिखेंगे। और आप बताओ टू किधर होता है? इस साइड होता है टू, और इस साइड होता है बाय, है ना? तो एंट्री कैसे करेंगे? कैश को जाएं, कैश अकाउंट के अंदर जाएंगे, कैश अकाउंट के अंदर जाएंगे। टा टा टा, कैश अकाउंट के अंदर जाना है, कैश अकाउंट के अंदर जाना है। ढूंढो ढूंढो कैश अकाउंट किधर है, कैश अकाउंट किधर है, कैश अकाउंट मिल गया। और कैश अकाउंट में जाके टू कैपिटल लिखना है, दिख रहा है ना? टू कैपिटल लिखना है, तो टू कैपिटल, कैपिटल अमाउंट 5,000, 5,000। समझ में आया? और सर, और अब कैपिटल अकाउंट को ढूंढेंगे, कैपिटल अकाउंट को ढूंढेंगे। देखो कैश अकाउंट को ढूंढा, वहां लिखा टू कैपिटल, अब कैपिटल अकाउंट को ढूंढो। कैपिटल अकाउंट कहाँ है? कैपिटल अकाउंट कहाँ है? मिल गया। अब कैपिटल अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश, बाय साइड में बाय कैश अमाउंट 5,000। समझ में आया? पहले गए कैश अकाउंट में और वहां लिखा टू कैपिटल, उसके बाद गए कैपिटल अकाउंट में और वहां लिखा बाय कैश। और सर देखो, परचेज अकाउंट ढूंढो, परचेज अकाउंट, परचेज, ये रहा परचेज अकाउंट।
परचेज अकाउंट में जाके लिखेंगे टू कैश, टू कैश, कैश अकाउंट। अंदर अकाउंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और अमाउंट 2000। ओके, अब कैश अकाउंट को ढूंढो। कैश अकाउंट मिल नहीं रहा मुझे, कैश अकाउंट कहाँ है? कैश अकाउंट मिल गया, और कैश अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय परचेज, बाय परचेज, और बाय परचेज 2000। समझ रहे हो बात को आप? यानी पहले गए कैश अकाउंट में और लिखा टू कैपिटल, टू तो इधर से स्टार्ट होता है इसलिए टू कैपिटल, कैपिटल में गए, और यहां पे ना बाय होता है हमेशा, जो हम लिखते नहीं जनरली, कैपिटल में जाके बाय कैश, और बाय किधर आता है? बाय कैपिटल में जाके बाय कैश। ऐसे ही परचेज में गए और टू कैश, तो परचेज में गए टू कैश, और कैश में गए और बाय परचेज, कैश में जाते ही बाय परचेज, तो कैश में जाके देखो बाय परचेज। ठीक है, इसकी एंट्री बताओ। कैश में जाके क्या लिखेंगे? कैश में जाके टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स, और सेल्स में आएगा 1000। और अब सेल्स अकाउंट को ढूंढेंगे, और वहां क्या लिखेंगे? सेल्स में जाके बाय कैश, बाय कैश 1000 रुपए। डेट, डेट दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, चलो मैं डेट डाल ही देता हूं, डेट डाल देता हूं। ये मान लेते हैं 1 जनवरी 2010, ये मान लेते हैं 5 जनवरी 2010, ये मान लेते हैं 8 जनवरी 2010। सर 2020 मानो, ठीक है लो जी 20 मान लिया, आप बोलते हो तो 20 मान लिया, ठीक है। अब डेट डाल देते हैं कैश वाले पे, पहला कैश में जाके टू कैपिटल, कैपिटल के आगे 1 जनवरी, 1/1/2010। ऐसे ही कैपिटल में जाके बाय कैश लिखा है, इसके आगे कौन सा डेट? यही डेट, फिर से 10 कर दिया, 20। अब परचेज में जाके टू कैश, परचेज में जाके टू कैश, डेट 5 तारीख, 5/1, और कैश में जाके बाय परचेज 5/1। अब कैश में जाके क्या लिखा था? टू सेल्स, कैश में जाके टू सेल्स, किस डेट का? 8, 8/1, और यहां पे सेल्स में 8/1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मैंने कुछ छोटी छोटी एंट्रियां की जिससे आपको मैं समझा सकूं, ठीक है? क्या यहां तक समझ में आए? पहले ट्रांजेक्शन से क्या करेंगे? जर्नल, जर्नल के बाद क्या करेंगे? लेजर। अब लेजर को क्लोज करना है, तो आप हमेशा याद रखना, कभी भी आपका खर्चे का, एक्सपेंस और इनकम का कभी बैलेंसिंग फिगर नहीं हो सकता, बट फिर भी हम यहां पे निकालेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है? अगर पूछता है कि बताओ आपका परचेज का बैलेंस क्या होता है, तो सॉरी परचेज का कोई बैलेंस नहीं, बिकॉज ऑफ परचेज इज एन एक्सपेंस। इसके बाद अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई कैपिटल का बैलेंस, तो बिल्कुल एसेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस होगा, मैं लिख देता हूं यहां, इनकम एंड एक्सपेंस के लिए नो बैलेंस विल बी नो एनी बैलेंस। लेकिन ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, उसके लिए हम निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो किसका बैलेंस होता है? एसेट एंड लाइबिलिटी, क्या इसका बैलेंस होगा? यस, बैलेंस होगा, यस। आप अपने लैंग्वेज में लिख लें, मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूं, यस। सर ये कौन से बैलेंस की बात कर रहे हो? अभी बताया था ना आपको, बैलेंस, बैलेंस बीडी, और बताया था बैलेंस, बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी किसका? ओपनिंग, और बैलेंस सीडी क्लोजिंग, साल के एंड में। तो कभी भी इनकम और खर्चे का बैलेंसिंग फिगर नहीं होता,
उसे बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं। और बैलेंसिंग फिगर को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, बीएफ लिखते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर। चलो सीखते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर निकालने का तरीका, क्या ये एसेट्स लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस क्या है? सर ये कैश तो हमारा होता है, एसेट्स, तो यस बैलेंस आएगा। चलो किधर का टोटल ज्यादा है ये चेक करो, 5 और एक 6 और इधर 2000, तो इधर का टोटल ज्यादा है। नाउ टिक, अब इधर का टोटल 6000, सेम टोटल इधर लिखेंगे 6000, और इधर कुछ बैलेंस निकलेगा जिसको लिखेंगे बाय बैलेंस। बैलेंस लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, बैलेंस सीडी, और ये होगा बैलेंसिंग फिगर, जिससे पता चल जाए कि आपने आंसर निकाला है। तो ये आएगा 6000 में से 2000 जाएंगे तो बचेंगे 4000। तारीख हमेशा एंड का होगा, तो जनवरी है तो मैं मंथ के हिसाब से लेके चल रहा हूं, तो 31-1। क्लियर? क्या समझ में आया बैलेंस कैसे निकालेंगे? सेम इधर, इधर में से टोटल किसका ज्यादा है? सर इधर तो कुछ है ही नहीं, तो भाई इधर जीरो मान लो आप, इधर का ही ज्यादा है। और एक काम भूल गया मैं, बता देता हूं, ये जो बैलेंस है इसको अगले दिन ले जाएंगे, 1-2, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस, बैलेंस बीडी, इसी को इधर लेके आना है और ठीक इसके नीचे लेके जाना है, और अमाउंट के आगे 4000 लिखना है। कौन सा 4000? ये वाला 4000, ठीक है ना। कैपिटल का करते हैं, ये लो 5000 और इधर 5000। अब कम किधर है? सर कम तो इधर ही है, जीरो माना, तो इधर निकलेगा बैलेंस, जिसको बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, और ये बैलेंसिंग फिगर है, टू बैलेंस सीडी, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर। और क्या आएगा? कुछ है ही नहीं माइनस करने को, तो 5000। क्या आएगा? 5000, ठीक है। और तारीख क्या आएगा? महीने का आखिरी तारीख 31-1। अब इसको भी बीडी करना है, कहाँ करोगे? इस साइड में, मेरे पास स्पेस है नहीं। 1-1, इस टोटल के, इस लाइन के, इस लाइन देख रहे हो, इस लाइन के नीचे 1-1-1-2 आएगा, लिखेंगे बाय बैलेंस, ओहो बीडी। इसको करके छोड़ना है, वैसे आप नहीं भी करो तो चल जाएगा, बट वही होता है कि थोड़ा करके करेंगे तो हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग रहेगा, ठीक है। ये क्या है? खर्चा। क्या इसका बैलेंस निकालना है? क्या बैलेंस निकालना है बताओ? सर नो, इसका बैलेंस नहीं निकालना। क्या ऐसे छोड़ दें? नहीं बच्चे, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे बाद में तो हम निकालेंगे, तो अभी फिलहाल निकालना है। ये लो जी, ये लो जी, आपने बोला तो सर बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल। टोटल इधर 2000, इसी का सेम टोटल 2000, और बाय साइड में बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी, ये है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। और ये आ गया 2000, 2000, ठीक है। और ये तारीख कब आएगा? तारीख तो 31-1 आएगा। अब इसको बीडी बनाओ मत, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, इसका बैलेंस सीडी होता नहीं, बार बार बोल रहा हूं, इसका बैलेंस सीडी नहीं होता, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए निकाला जा रहा है, आपको समझना है, ठीक है बच्चे? हाँ जी सर। अब इसको भी करते हैं, ये भी तो सर इनकम ही है, रेवेन्यू है ये तो। कोई बात नहीं बच्चे, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। नीचे दो लाइन, सर दो लाइन नहीं खींचा, ओहो गलती हो गई, ठीक है। टोटल किधर का ज्यादा है? इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर का ही ज्यादा है, तो 1000, और इधर भी 1000, और इधर 2 निकाल देते हैं बैलेंस सीडी, और क्या आ गया 1000, और यहां लिखा बैलेंसिंग फिगर। तारीख क्या आएगा? 31-1-31-1, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो चलो दोबारा एक बार रिव्यू करते हैं, ठीक है। हम आज क्या सीख रहे थे? लेजर। लेजर में सबसे पहले क्या करते हैं हम, पर्पस क्या है लेजर का? लेजर का पर्पस है जी,
कि हम ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फिर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। सबसे पहले ये क्या है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद क्या क्या, जर्नल। जर्नल करने के बाद हमें लेजर बनाने होंगे, तो यू शुड डिसाइड कि आपको कितने लेजर पहले बना लेने चाहिए साफ साफ। तो आप यहाँ चेक करोगे, एक बनेगा कैश, एक बनेगा कैपिटल, एक बनेगा परचेज। कैश पहले बन चुका है, दोबारा नहीं बनाना। कैश पहले बन चुका है, दोबारा नहीं बनाना। सेल्स, तो टोटल हो गए चार। चार मैंने पहले अकाउंट बनाए। उसके बाद पोस्टिंग की बात करते हैं। पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे और लिखेंगे टू कैपिटल। कैश में जाने के बाद क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट ढूंढो और कैश अकाउंट में गए और कैश अकाउंट में बताओ टू किधर आता है, इधर आता है ना, तो इधर से लिखा टू कैपिटल। सेम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और इधर वाले को लिखते हैं बाय कैश। तो कैपिटल अकाउंट ढूंढा और बाय किधर से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है बाय, तो इसलिए बाय कैश अमाउंट। डेट वही आएगा जो जर्नल एंट्री का है। अगला परचेज अकाउंट ढूंढेंगे और उसमें टू साइड में लिखेंगे कैश। परचेज अकाउंट ढूंढा और इसमें टू साइड में लिखा कैश और डेट आ गया। सेम कैश अकाउंट में जाएंगे और बाय साइड में लिखेंगे परचेज। तो कैश अकाउंट में जाके बाय इधर की साइड होता है इस साइड में, तो इधर क्रेडिट साइड में लिख दिया मैंने। इसके बाद कैश अकाउंट में जाएंगे और टू सेल्स लिखेंगे। कैश अकाउंट में गए और टू किधर से होता है, इधर से होता है, तो इसलिए टू सेल्स लिखा और सेल्स में जाके बाय कैश लिखा। समझ में आया? अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करना है, इसको नोट करो। इसके बाद आज की क्लास में मैं ज्यादा नहीं करा रहा, सिर्फ हिंट दिया है। असाइनमेंट में जो मैंने कैपिटल कैपिटल की एंट्री करी है, कैपिटल वाली एक टॉपिक बनाया हुआ है, परचेज का एक्सपेंस का एक टॉपिक बनाया है। तो आपको कैपिटल वाले की सबकी जनरल एंट्री करनी है और एक्सपेंस वाले की सबकी जनरल एंट्री करनी है और दोनों को कंबाइन करके लेजर अकाउंट बना के आपको दिखाना है। ठीक है, हो जाएगा आपसे? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप कर पाओगे। इसे जल्दी जल्दी नोट करिए, पहले आप फटाफट नोट करिए। जल्दी जल्दी नोट करिए आप। नहीं दिख रहा, चलो हट जाते हैं जी। ठीक है बच्चे, नोट कर लिया। बाय बाय बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी विल बी मीट टुमोरो, और इसके आगे के टॉपिक करेंगे और भी लेजर को हम गहराई से सीखेंगे। छोड़ना नहीं है, थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन एक बार सीख जाओ कभी नहीं भूलोगे, जीवन में बहुत काम आने वाला है ये। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।